गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। तो आज शनिवार है। ओ जी, क्या दिखा रहे हो आप? मैकडी। तो खुशी होती है जब आप दोनों की फेवरेट जगह एक ही जगह पे मिल जाए। मेरा मैकडी, मैकडी में मैंने लिया अंडा एंड माय स्टारबक्स। और पाल जी की क्या पूजा जी की खुशी तो देखो। हाँ। मतलब मैंने बस इतना बताया एग्जिट लेके ना मैकडी की तरफ है पार्किंग। मैडम ने बाद में पूछा भी नहीं मुझे उठा के कहाँ जाना है, फिलहाल आके वहाँ ट्रक लगा दिया वो सामने रोड पे खड़ा किया हुआ। तो ये काफी अच्छा गांव है। कौन सा है? रोलिंस वायोमिंग में है। ये IAT पे आता है। चुप करो, सुनने तो दो यार। ऐसे इंडिया होता था, ऐसे ऐसा ही मौसम होता था सुबह सुबह, और चद्दर लेके मतलब पड़े होना, मम्मी ने पंखा बंद कर देना, फराटा या कूलर जो भी लगाया वो बंद कर देना, उठो अभी टाइम हो रहा है स्कूल नहीं जाना। वो दिन याद आ रहे। और ऐसी चिड़ियों का, अभी तो चिड़ियों का शोर सुनता ही नहीं इंडिया में। आप बताओ आपकी तरफ सुनता है? पंजाब में जब गया मुझे तो नहीं सुना। तो लेकिन तो पूजा जी आप रेडी हो ट्रैकिंग करने के लिए? यस, चले चलो, लेट्स गो। जो छोटी सी ट्रैकिंग कर ले हम। ओहो, पहाड़ आ गए, ये ज्यादा। ओए हाथ पकड़ लो, मैं गिर जाऊंगा। गिर मत जाना। हाय 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 हाय, पहुंच गए हम। ये तो कहां गए हम? स्टारबक्स पहुंच गए। तो बैठ जाए पाल जी। जी हाँ, अभी 2-4 मिनट है खुलने में, हम पहले ही आगे बैठ के देखो लाइन में लगे हुए हैं। साढ़े पांच हो गए पाल जी, चले चलो। लाइटें जग गई, सब कुछ तैयार है हमारे लिए। They are waiting for us. Let's go. बारात में आए हैं ना? चलो, कुछ रेडी है हमारे लिए। तो आ गए टायर चेक करके? हाँ जी। चलो भाई, हम अपना ड्रिंक ले हैं। ये मेरा है। Cheers. Cheers. हम तो फ्री में ब्रांड एम्बेसडर बने फिरते हैं स्टारबक्स के। मेरा दोस्त भी कहता है। और अपना ये बर्गर उठा लो। मेरा दोस्त भी कहता हमने कितने दिनों बाद पीना आज। हाँ। कहता मुझे लगा के स्टारबक पे आप तुमने छोड़ दी पीनी। कहा नहीं छोड़ी नहीं, कभी कभी हम पोस्ट डालना भूल जाते हैं। चलो खाएं फिर। चलो तो कॉफी पीते पीते पाल जी ने शिफ्ट की है शुरुआत, और अब हम निकलेंगे यहाँ से। तो मेरे को ये तो पता चल गया कि हमने आना कैसे था, भी निकलना कैसे है यहाँ से, वो भी बता लो जरा। देख लो जा तो रहा हूँ। ओके यार, ये भी तो, अरे ये ट्रक की अलग पार्किंग बनाई है इन्होंने। नहीं ये देखो, ये देखो वो है पार्किंग। अच्छा, कि बस की है? मालूम नहीं मुझे, वो बस की है शायद ये। चलो ट्रक वाले ऐसे ही लगे हैं मॉल में कि मॉल बंद है अभी खुला नहीं, बट वहाँ पे आई थिंक बस की स्पेशल पार्किंग थी। मैं तो यही रुकता हूँ हर एक बार आके। ओके okay. काफी खुला डुला है ना यार गांव, देखो कितना अच्छा है। मतलब स्टारबक्स भी है, मैकडी भी है, वॉलमार्ट भी है, लेकिन जिम नहीं है इनके पास। ना प्लैनेट फिटनेस है, ना एनी टाइम फिटनेस। पर लोकल जिम तो होगी। लोकल तो है ही है, बाकी सभी चीजों की फ्रेंचाइजी है पर इसकी नहीं है। वही तो, प्लैनेट फिटनेस होनी चाहिए थी यहाँ पे। अच्छा उधर को नहीं जाना हमने? उधर ही जाना है, इधर देखना नहीं है। ये उधर से आ गया फिर? नहीं इधर तो कोई नहीं है। अच्छा ऐसे निकलना है वापस, ठीक है। लग गया पता अब मेरे को, अब मुझे पता लग गया पाल जी यहाँ पे स्टारबक्स है और यहाँ पे ट्रक लगता है। यार मैं सोच रहा हूँ जब हम पहाड़ों में घूमने जाएंगे, हाँ जी, तो वहाँ पे ऐसे दिन जब निकल रहा होगा तो कैसा लगेगा, जहाँ हाँ। अच्छा लग रहा है दूर से। हाँ वो ट्रेन हम हमें इतना मतलब गांव नहीं, मुझे लगता है मेन शहर है वो। देखो यहाँ पे स्टॉप ही होगा रॉलिंस के एग्जिट के, वो बोर्ड आते हैं पहले ही। हाँ। काफी दूर से आ रहा है। होटल मोटल देखो कितने सारे यहाँ पे। हाँ। लेकिन बस वो ही नहीं है। तो जब ऐसे ब्लिंक कर रही हो रेड लाइट, मतलब हमने स्टॉप लेके आसपास देख के फिर जाना है। हाँ, तो अगर उधर जैसे येलो लाइट ब्लिंक कर रही है
तो उन्होंने बस ये देख के जाना है कि कोई पेडेस्ट्रियन तो नहीं क्रॉस कर रहा, तो बस आप सीधे जाई जाओ, बस एक उन्होंने रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, हाँ रुकना नहीं है, बस थोड़ा ध्यान से निकलना है कि कोई पेडेस्ट्रियन ना जा रहा हो। तो जो छोटे छोटे गांव होते हैं वो ऐसे ज्यादातर रात को लाइट्स को ऐसे कर देते हैं, हाँ लाइट्स को स्टॉप साइन बना देते हैं, सो दैट मतलब अभी एक गाड़ी वाला खड़ा है वेट कर रहा है लाइट कब होगी, तो उस चीज को बचाने के लिए ये ऐसे कर देते हैं रात को। और वैसे भी इतनी कोई ट्रैफिक होती नहीं है ऐसे गाँव में। हाँ ये वाली लाइट जो ग्रीन है ना, अभी जब मैं आई थी तो ये ऑरेंज ब्लिंक कर रही थी, अभी इन्होंने हाँ अभी दिन हो गया ना, वो देखो अभी वॉलमार्ट में भी ट्रक खड़े हैं। क्या ना शहीन जाना, हमने मैं दिखा रहा था। हाँ अच्छा अच्छा, इधर का इधर जाना था, वो देखो कितनी आर्मीज खड़ी हैं, वो देखो पीछे यू टर्न मारने को भी जगह नहीं है। तो लीजिए अभी अभी चलाकर 5 घंटे तो अभी मैं रुक गया हूँ, क्योंकि पूजा जी ने कहा था कि मुझे जब आधी शिफ्ट आपकी हो जाए तो मुझे उठा लेना, क्योंकि हमने बनानी है फिश, अब मैरिनेटेड फिश ली है तो वो बनाएंगे, और नया टेबल लिया है, ओ उसे भी ओपन करते हैं आज हम। तो चलो मैंने सोचा पहले कुर्सी करसी सब सेट कर लूं, चेयर वगैरह, फिर पूजा जी को उठाता हूँ, तो चलो करते हैं। तो ये हो गया हमारा सेटअप, अभी मैं उठाता हूँ पूजा जी को। पूजा जी शक्तिमान आता था ना ऐसे। आइए देखिए बाहर क्या किया मैंने, सही है, चलो आ जाओ जल्दी से फिर कुक करें, चलो आओ आओ जल्दी आओ। और क्या यहाँ पे वॉशरूम है? हाँ हाँ है, वहाँ पे रेस्ट एरिया है, मैंने रात वाली स्किन केयर लगाई है। ओ नहीं, इतनी धूप नहीं है, गर्मी नहीं है, ठंडी ठंडी हवा, रेटिनोल लगाया है। आ जाओ जल्दी आ जाओ, चलो सनस्क्रीन लगा ले दो, चलो जल्दी आ जाओ फिर। तो जे लीजिए तैयार है हमारा, रोटी का प्रबंध सारा है पूजा जी, मैं इधर बैठ जाता हूँ, मैं इधर से हवा रोक लूंगा। वाह यार हवा ही बड़ी चल रही है। तो जे लीजिए मछली जल की रानी है, और आज हमने खानी है, हैं पूजा जी? हाँ जी। आप भी मछली बनते हो, बन के दिखा दो डॉल्फिन। डॉल्फिन कितनी मोटी मछली बना रहे हो मेरे को? नहीं बना के तो डॉल्फिन ही बनते हो आप, और क्या बनते हो? ऐसे नहीं होता। मेरे को मोटी मोटी मछली बनाते हो आप। लेकिन डॉल्फिन क्यूट भी है, मोटा पीस है पूजा, बन जाएगा। हाँ। पूरा गरम करके बनाती हूँ ना इसको। नीचे देख लो आग बल्ब भी रही है या नहीं? हाँ हाँ आवाज तो आ रही है, हीट भी आ रही है। आवाज और कहीं गैस की आ रही हो, इसकी भी स्मेल भी आने लग जाती है ना। ओके आप तो कह रहे थे कोई धूप नहीं निकली, बड़ा अच्छा। पहले नहीं था यार, अभी निकली है जे। मेरी बारी कितनी धूप निकल आई? वही आप, आपके साथ बैर है उसका, आप उसके वो लगा के आते हो ना आप, इसलिए हाँ इसलिए उनको गुस्सा आ जाता है, धूप धूप महाराज को, सूर्य देवता को, शुक्र है सही नाम याद आ गया, धूप महाराज। मैं भी सोचूं सूर्य देव, पुराने नाटकों में मेरे नाम तो कोई सुना है, कोई होता है सूर्य देव? उधर ना बैठे ट्रक के उधर, उधर साइड दूसरी साइड ना बैठे, उधर ट्रक भी है एक, शाम भी होगी उधर। नहीं ठीक है यार, यहाँ जे उड़ रहा है सब कुछ। इतना कौन सा हमने रोटी बनानी है प्रॉपर, फिश बनानी है, फिश जल्दी बन जाती है, टेंशन मत लो। चलो रखो जल्दी करो, 20 मिनट हो गए हैं। ओ उसको अच्छे से गर्म तो होने दो, फिर कहोगी कि आपने अच्छे से बना के नहीं दी। ये टेबल से बहुत आसानी होगी हमें ना। हाँ मैंने कहा था ना ये पूरा परफेक्ट साइज है। हाँ। आप बड़ा वाला ले रहे थे, इससे छोटा वाला ज्यादा छोटा हो जा रहा था। अगर वो बड़े वाला लेते ट्रक में आना भी नहीं था साइड में। हाँ अभी हम वो साइड वाले वो जो है ना
दरवाजे वहां पर रख लेते हैं, ये बिल्कुल सही है। और इसकी हाइट भी ठीक है, थोड़ी बहुत ही अगर ऊंची करनी है तो ठीक है, बट जैसे मैं अभी यहाँ पे कुक कर रही हूँ उस हिसाब से बिल्कुल ठीक है इसकी हाइट। यहाँ पे यही रखना, इसको चेंज मत करना। तो जो ये टेबल है ये 4 फुट एडजस्टेबल हाइट है, फोल्ड इन हाफ हो जाता है, और इसकी जो हाइट्स है वो 3 अलग अलग हाइट्स आती हैं, आप उसे एडजस्ट कर सकते हो। और काफी बड़ा है, देखो कितना सामान आ गया हमारा यहाँ पे। बेसिकली अगर किसी ने लेना है ना तो ये चीज देखनी है। 48 इंच वाला लिया है हमने, 48x24x21 ठीक है, ठीक है जी। $35 का मिला था ये हमें वॉलमार्ट से, कभी कभी यूएस डॉलर, कभी 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 40 का भी लगा होता है, 35 यूएस। कनाडा से लो, यूएस से लो, आई थिंक सेम ही एक्सचेंज रेट पड़ता है ना जी। तो भाई ये तो हो गया हमारा खराब, तो फिर हमने चलाया जी इलेक्ट्रिक वाला। क्या बनेगी, बनेगी स्मेल आ रही वधिया। हाँ, बन गई है, देखो सारी हो गई है। पानी दी बोतल दे, इसकी तार लाई अपा, बड़ी वाली बोतल पानी बन गई, कर दो पाल जी, खा के देख ले। सही आ, बन गई चलो। एक बार दूसरी साइड कर दू, हाँ उतार के है ना, मैं एक ब्रेड भी खाऊंगा बस। फिश के साथ ब्रेड कौन खाता है पाल जी? ऐसी बननी थी इसमें? नहीं चलो मालूम चल गया ना, इसमें बढ़िया बनती है। दूसरी साइड देखो, बट इसमें यार बड़ा पीस नहीं बनेगा, तो इसको काट लिया करेंगे हम खुद या कटवा लिया करेंगे। हाँ, और इसको अभी यहाँ से ऑफ कर। अरे एक और चीज अच्छी लगती है मेरे को, आपकी चीज बन के इसको कहीं भी उठा के ले जाओ, चाहे वो उधर दूर जाके बह के खाओ। तो मछली जल की रानी है, बना के खा के पी के हम चल पड़े हैं, और अभी मैं वापस से सोने जाऊं, एंड पाल जी भी थक जाएंगे। कितना टाइम पड़ा है अभी मेरे सोने को? 5 घंटे 53 मिनट।